किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज के हमारे सम्माननीय प्रधान, आज की पंचायत का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई विकास सीसर जी, जो यहाँ तुरंत पहुंच गए थे, और मेरे बाईं तरफ बैठी मेरी माताएं और बहनें, और जहां जिस जगह पे माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है वो आंदोलन जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। मेरी माताओं बहनों को भी बहुत धन्यवाद है। मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मीडिया के बंधुओं, दो तीन बात आपके बीच में रखनी है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जेजेपी के लोग कह रहे हैं कि तुम हमारा विरोध क्यों कर रहे हो, और हम कह रहे हैं कि विरोध आपका केवल हरियाणा में नहीं हो रहा, विरोध आपका देश में नहीं हो रहा है। आज आपकी हालत ये हो चुकी है कि आपका विरोध सात समुद्र पार अमेरिका में भी हो रहा है और स्कॉटलैंड में भी हो रहा है। ये तुम्हारी औकात बची है बीजेपी वालों और जेजेपी वालों। साथियों, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, और यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार दोनों कान खोल करके सुन ले। या तो सांसद रामचंद्र जांगड़ा और बीजेपी के गुंडों पे तुरंत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो हमारे साथियों पे फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए, नहीं तो फैसला ऐसा लेंगे कि सरकार की और तारी सारी सर काट के छोड़ेंगे, कोई सर बाकी नहीं छोड़ेंगे भाई। साथियों, जो भाई कुलदीप है, हम रात को हॉस्पिटल में थे, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा, हो सकता है वो पूरी जिंदगी काम भी ना कर पाए, केवल डेढ़ एकड़ का किसान है, दो दो घरों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा जो दूसरा राजकुमार सैनी बनना चाहता है, वो कान खोल करके सुन ले और भगवान से दुआ करे कि भाई कुलदीप राणा बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं तो हिंदुस्तान में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रामचंद्र जांगड़ा ये कान खोल करके सुन ले। साथियों, हम कभी हारे नहीं है। 11 महीनों से बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा, आज इस सरकार की हालत क्या हो चुकी है वो आपको पता है, लेकिन चाहे वो हिसार का आंदोलन हो, चाहे वो टोहाना का आंदोलन हो, चाहे वो रोहतक का आंदोलन हो, चाहे वो सिरसा का आंदोलन हो, और चाहे वो करनाल का आंदोलन हो, हम जीत कर आए थे और जीत करके जाएंगे, ये बात सुन ले जाए। साथियों, एक बार पुनः ये बात कहना चाहते हैं, 1:30 बजे तक का अल्टीमेटम दे रखा है, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट तुम्हारी और 16 मिनट हमारी, ये बात याद रखना, पीछे हटेंगे नहीं। मेरी सभी से ये अपील और प्रार्थना, दोनों हाथ उठा करके ये विश्वास दिलाए, ना तो शांति को भंग करेंगे, ना अनुशासन को भंग करेंगे, और जो फैसला यहाँ से लिया जाएगा भेटी कटवा लेंगे भाई, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करो। बहुत धन्यवाद।
और साथियों आपसे यही अपील और प्रार्थना है, ये जितने आंदोलन चले ये केवल ट्रेलर थे, ये क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ हमारी खापों के प्रधान मौजूद हैं, ये क्रांति की धरती है, या तो सबक ले लो और या तो ये सांसद सुधर जाए, मुकदमा दर्ज कर लो, मुकदमा रद्द कर दो, नहीं तो बाकी जगह भाई ट्रेलर चला है, आरे भाई पूरी फिल्म चलाओगे, पूरी फिल्म चलाओगे, तय है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगा देंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भाई एक नारा दो नारे लगवाने हैं, पूरी ताकत से आवाज जानी चाहिए टिकरी बॉर्डर तक, टिकरी बॉर्डर तक आवाज जानी चाहिए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, जननायक जनता पार्टी मुर्दाबाद।